विदिशा की जीवनदायिनी बेतवा नदी प्रदूषण से हो रही है बेहाल। हरे काई और हरे पानी से हो रही है प्रदूषित। औषधि गुण पूरी तरह समाप्त और अब फैल रही हैं बीमारियां। विदिशा की जीवनदायिनी कही जाने वाली बेतवा नदी को कलयुग की गंगा भी कहा जाता है, लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से वह प्रदूषित हुई है उससे सभी और चिंता व्याप्त है। शहर के गंदे पानी के नाले और फैक्ट्री सहित अन्य कारखानों के जरिए भी पानी गंदा हो रहा है। लोग बताते हैं कि एक समय बेतवा नदी के पानी से लोगों की बीमारियां ठीक होती थी। इसका पानी औषधीय होता था, वही पानी प्रदूषित होकर जहरीला हो गया है। नदी के पानी में नहाने से लोगों को अब त्वचा रोग, खुजली हो रही है। पिछले दिनों बेतवा नदी में बड़ी मात्रा में मछली भी मरी हुई मिली थी। मैं दयाराम अहरवाल। अच्छा, ये गंदगी हो रही है नदी में, कौन सी नदी है ये, क्या कारण है ये इनका? साहब बेतवा नदी है और इसकी गंदगी देखो कितनी, लोग बाग इनमें नावे अच्छा नहीं करते है, इतना बेकार गंदा पानी हो गया और नालों तो खुजार चलती है बदन में है, और गंदगी आप देख लो पूरे में कचड़ा ही कचड़ा पड़ रही है, हरा पानी पड़ रहा, कीड़े पड़ रहे हैं उसमें। क्या कारण है, कहाँ से आ रही है ये गंदगी? ये गंदगी क्या जी, जी जी पानी फिल्टर नहीं हो गया, ये पानी छूट गया जी, नाले का पानी आ रही है ऊपर, आप राम घाट के ऊपर देख लो वो गोटान में से पूरा है ना, किले अंदर का पानी और पूरा पानी वहाँ से गिर रही है इधर जी, यहीं शमशान घाट के बगल में ये गिर रही है पुल का, ये पूरा नदवाना और इधर का पूरा एरिया, इसमें तीन चार नाले इनके पानी आ रहा है, ये पूरा गंदगी पूरी है ना, ये चना तिरत फैल रही है आगे।